ब्रेक बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच रार बढ़ती जा रही है। विधानसभा स्पीकर ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को विधानसभा में लंच पर बुलाया था, लेकिन ऐन वक्त पर कार्यक्रम कैंसिल कर दिया। दो दिन के लिए विधानसभा को बंद कर दिया गया। बावजूद इसके गवर्नर जगदीप धनखड़ विधानसभा पहुंच गए, लेकिन वहां गेट बंद मिला। गवर्नर जगदीप धनखड़ ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें जानबूझकर विधानसभा में जाने नहीं दिया गया। वो विधानसभा इमारत का चक्कर लगाते रहे, लेकिन किसी ने उन्हें ये बताने की जहमत नहीं उठाई कि वो कैसे अंदर आ सकती। इससे राज्यपाल नाराज हो गए और वहीं गेट पे सांकेतिक धरना देते रहे। I have come here as governor of state of West Bengal after writing a letter to the honorable speaker that I will be visiting the assembly. I wrote so because assembly is not in session today, but assembly secretariat is not on leave. My purpose of coming here was to see the historic building, to see its full background, visit its library, and please be very clear about it. Assembly not being in session does not mean assembly is closed. The entire secretariat has to be open. I made a call to the, made a message to the speaker. So this is a gate meant for my entry. I'm surprised, as all of you should be, why it is closed. Assembly is not closed today. गवर्नर जगदीप धनखड़ ने कहा कि विधानसभा में सत्र में नहीं चलने का मतलब सचिवालय का बंद होना नहीं है। ये बहुत ही शर्मनाक पल है। विधायिका को बंदी नहीं बनाया जा सकता। लोकतंत्र में आप इसकी इजाजत कैसे दे सकती हैं? दरवाजे बंद हैं। कामकाजी दिन में भी लोग छुट्टी पर हैं। मुझे अपमानित नहीं किया जा रहा है, इस राज्य के लोगों को अपमानित किया जा रहा है। हालांकि बाद में गवर्नर दूसरे गेट से अंदर गए। को दिखा दे, इस वक्त पूरी मीडिया की तारात असेंबली के बाहर खड़ी है। गवर्नर अंदर गए हैं और उन्होंने कहा कि वो बाहर आके फिर से बात करेंगे, लेकिन इसे एक नया अध्याय कहा जा सकता है। जिस तरह से जब से नए राज्यपाल जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल में आए हैं, उनके साथ किसी ना किसी मुद्दे पर सरकार के साथ एक लड़ाई, एक विरोध चल रहा है। बहुत सारे पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री हैं जिन्होंने गवर्नर के खिलाफ बयान दिया है, और गवर्नर ने पिछले कुछ दिनों में ट्वीट करके और अपना जो बयान है मीडिया के सामने रखते हुए कहा है कि किस तरह से वो नाराज़ है और किस तरह से जो संवैधानिक पोजीशन है गवर्नर की, उसकी गरिमा को नष्ट किया जा रहा है।